खड़गापुर विधानसभा के कुरीला गांव में विधायक राहुल सिंह लोधी पहुंचते, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाए। शिविर में SDM सौरभ मिश्रा के तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, BMO सिद्धार्थ रावत, जनपद CEO प्रभाष कुमार घन घोड़िया और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में 5 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। सभी ने अपने अपने आवेदन विधायक को दिए, जिन आवेदनों पर अधिकारियों ने जांच कर पात्र हितग्राहियों के योजनाओं से जोड़ा। जन समस्या निवारण शिविर में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा, सभी आवेदनों का निराकरण 7 दिवस में किया जाएगा। शिविर के दौरान विधायक ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, 1 महीने से अधिक शिविर का आयोजन जगह जगह किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सब सहायता समूहों की महिलाओं को 3-3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। SDM सौरभ मिश्रा ने कहा, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद विधायक के साथ मिलकर सभी अधिकारियों ने थाना ग्राउंड के वृक्षारोपण किया। क्या कार्रवाई? उसके कागज वाला क्यों तो मंत्री जन सेवा अभियान के तहत इस शिविर लगाया गया है कुरीला में, कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर कार्रवाई हुई? आज देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिवस था। उनके जन्मदिवस के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के नाम से पूरे 1.5 महीने जितने भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएँ लागू की गई, उन सारी योजनाओं में जो भी पात्र हितग्राही उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहे, उन सभी पात्र हितग्राहियों को बुलाया गया है। उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनसे आवेदन लेके उस पर कार्रवाई करने के लिए आज ये कैंप लगाया गया कुरीला में। कुरीला के आसपास की पंचायतों से सभी हितग्राही आए हैं और करीबन 100-150 आवेदन आए हैं और कुछ तो यहीं मौके पर ही निराकरण हो गए उनके। कुछ लोगों को लाभ मिला है यहाँ पे और कुछ लोगों के लिए जो आवेदन है उनको लेके और 1 हफ्ते में उनका निराकरण करने के लिए हमारे SDM साहब सौरभ मिश्रा जी हैं यहाँ पर मौके पे। उन्होंने सभी हितग्राहियों को बोला कि 1 हफ्ते के अंदर निराकरण होगा। जो ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं, जैसे पंचायत पटवारी, ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते हैं। जो योजनाओं के लिए लाभ होते हैं उनको लाभ नहीं मिलता और यहाँ जन समस्या शिविर में ऐसे काफ़ी लोग आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गुमराह नहीं करता कोई भी, जान के क्यों गुमराह करेगा किसी को। लेकिन क्या है, जो पात्र हितग्राही है उनको ये पता नहीं होता कि वो पात्रता में सूची में है कि नहीं है। BPL में भी इतनी सारी फॉर्मेलिटी है कि ज़्यादातर लोग अपात्र हैं, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि उनका BPL बन जाए, वो हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ज़्यादातर हितग्राही अपात्र हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जानबूझ के उनका अपात्र किया गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हितग्राही यहाँ पे आए उन सबको यहाँ पे जिस भी योजना में वो लाभ चाहते हैं सब योजनाओं का। आज कुल शिविर में कितने आवेदन हुए हैं, कितनों पे कार्रवाई हुई है और किन किन लोगों को लाभ अभी आगे दिलाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि लगभग 150 से के आसपास आवेदन प्राप्त हुए और उसमें कुछ आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया जो अधिकतर जनपद से रिलेटेड थे। कुछ 2 स्वसहायता समूहों को राशि भी प्रदान की गई जो शासन की तरफ से आई थी और कुछ लोगों के जो वृद्धावस्था पेंशन के सर्टिफिकेट थे वो भी मौके पर दिए माननीय विधायक महोदय द्वारा। उद्देश्य यही है कि जो योजनाएँ पहले से चल रही हैं उनका सेचुरेशन हो, मतलब परिपूर्णता हम पा सकें। और जो आपने सवाल पूछे और जो माननीय विधायक महोदय के जो निर्देश थे उन सभी के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं, किसी भी योजना में कोई पात्र हितग्राही छूट ना पाए, सभी को इसका लाभ मिले जिससे जनता के मन में किसी प्रकार का अबू ना रहे। हम लोग सब जगह जाके हर पंचायतों में जाके लगातार जैसे आदेश मिले वैसे शिविर लगा रहे हैं और ये लगाते रहेंगे, तो यही इसका उद्देश्य है कि पूरी योजनाओं का लाभ मिले।